Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, unit number 14, class second year. ठीक है, बायो के हवाले से, रिस्पायरेशन के हवाले से हम पढ़ेंगे यहाँ पे, डिटेल से बुक क्रैकिंग करेंगे. उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी. वो कह रहे, एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ. ऑल सिस्टम रिक्वायर एनर्जी टू वर्क. एनर्जी फर्स्ट बात किस चीज़ की हो रही है? एनर्जी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, एक अहम ज़रूरियात है लाइफ के हवाले से. लाइफ एनर्जी के बगैर नहीं चल सकती है. और हमारे बॉडी के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो कौन सी एनर्जी हमारे बॉडी के लिए होती है? वो आपके पास ATP होती है. कौन सी एनर्जी होती है आपके पास? ATP. तो ATP के बगैर हम अपनी ज़िंदगी जो है, लाइफ जो है, वो नहीं गुजार सकते. सादा से अल्फाज में, ऑल सिस्टम रिक्वायर एनर्जी टू वर्क. जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने भी निज़ाम होते हैं, उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी टू वर्क, काम करने के लिए. द वेरियस प्रोसेस कैरी आउट बाई बॉडी सच इज मूवमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आल रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. वो कह रहे हैं कि द वेरियस प्रोसेस, वेरियस का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ. जितने भी प्रोसेस हमारी बॉडी परफॉर्म करती है, कैरीड आउट, परफॉर्म करना, हमारी बॉडी जितने भी काम करती है मुख्तलिफ किस्म के, फॉर एग्जांपल उन कामों का यहाँ पे जिक्र हो रहा है. उन कामों में फर्स्ट जिक्र किस बात की हो रही है? मोमेंट, जो आप हरकत करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, या ग्रोथ की बात हो रही, या आपकी बॉडी बढ़ती है. आप छोटे हो अभी, आप बढ़ रहे हो, आपके नाखून बढ़ रहे, आपके बाल बढ़ रहे, ये सारे ग्रोथ जो है, या रिप्रोडक्शन, या आप क्या हो, मेरिड हो, आपकी शादी हुई है और आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उसके हवाले से आल रिक्वायर द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी. ये तमाम काम, मूवमेंट हो, ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, इन तमाम काम को करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होगी आपके पास? एनर्जी की मस्ट ज़रूरत है. एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी से मुराद क्या है? एनर्जी का इस्तेमाल हो जाना, खर्च हो जाना. इन तमाम के लिए आप किस की ज़रूरत होगी? आपको एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी की ज़रूरत मस्ट होगी. आपके बॉडी जितने भी काम परफॉर्म करते हैं, उन सबको एनर्जी की ज़रूरत मस्ट होगी. इन एनिमल दिस एनर्जी कैन बी ऑब्टेन ओनली फ्रॉम द फूड दे ईट. अगर हम बात करें, किस चीज़ की बात करें? एनिमल की बात करें. किसकी बात करें? एनिमल की. तो ये एनर्जी हम किसके ज़रिए ऑब्टेन कर सकते हैं? ऑब्टेन का मतलब क्या है? हासिल करना. किसके ज़रिए हासिल कर सकते हैं एनर्जी? फ्रॉम द फूड दे ईट. जो खुराक आप खा लेते हो, उस खुराक के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है. और उस ग्लूकोज के साथ क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है. और ऑक्सीजन मिलने के बाद आपके पास कौन सी चीज़ आ जाती है? आपके पास ATP आ जाती है, एनर्जी आ जाती है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन वो अमल होता है जिसमें ग्लूकोज के साथ, ये सेल के अंदर नॉर्मली होता है, हर एक सेल के अंदर होता है, जिसमें ग्लूकोज के साथ क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिल जाता है. और उसके रिजल्टेंट जब इस दोनों की ब्रेक डाउन हो जाती है, तो आपके पास रिजल्टेंट कौन सी चीज़ आ जाएगी? ATP हासिल हो जाती है उस सेल के अंदर. ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता. तो वो कह रहे कि फ्रॉम फूड, फूड के अंदर क्या होते हैं? फूड जब डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है, तो लास्ट पे रिजल्टेंट आपके पास कौन सी चीज़ आ जाती है? ग्लूकोज उससे आ जाते हैं. ये नहीं कि फूड से डायरेक्टली हम एनर्जी हासिल करते, नहीं. फूड की डाइजेशन पहले हाजमा हो जाता है, और उस हजम होने के नतीजे में हमारे पास क्या आ जाता है? ग्लूकोज आ जाता है. तब ग्लूकोज से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं. इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन दिस फूड एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर द बॉडी एक्टिविटी. अगर किस चीज़ की बात करें? सेलुलर रिस्पायरेशन, वो रिस्पायरेशन जो हर एक सेल के, ये सेलुलर रिस्पायरेशन सेल के अंदर जो होता है रिस्पायरेशन. रिस्पायरेशन का आपको समझ आई होगी कि वो अमल जिसमें ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलके क्या आ जाता है? ATP आ जाती है, वो रिस्पायरेशन अमल होता है. तो वो कह रहे हैं कि वो प्रोसेस जो सेलुलर रिस्पायरेशन जो एक सेल के अंदर होता है, दिस फूड एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर द बॉडी एक्टिविटी. दिस फूड एनर्जी, इस फूड के तोड़ने के बाद जो एनर्जी आपके पास आ गई ATP के फॉर्म में, अब ये क्या है? अवेलेबल. अवेलेबल का मतलब क्या होता है? दस्तियाब होती है. किसके लिए दस्तियाब होती है? फॉर द बॉडी एक्टिविटी. बॉडी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आप मूवमेंट कर रहे हो, या ग्रोथ कर रहे हो, या रिप्रोडक्शन कर रहे हो, इन एक्टिविटी के लिए क्या होती है? ये अवेलेबल होती है, मौजूद होती है. जब भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो, वो ऑलरेडी वहाँ पे आपके लिए पड़ी होती है. एरोबिक रिस्पायरेशन इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑक्सीजन एंड द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड.
एक हमारे पास क्या है एरोबिक रिस्पिरेशन, जबकि दूसरा आपके पास क्या होता है एन एरोबिक, जब हम सिर्फ उसके सामने क्या लिख लेते हैं एन एरोबिक। एरोबिक रिस्पिरेशन वो अमल होता है जिसमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी आपके पास हो, ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। जबकि एन एरोबिक कौन सा, एन एरोबिक रिस्पिरेशन वो अमल होता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। ये दोनों अपोजिट है, एरोबिक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, एन एरोबिक जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो। जब भी एरोबिक रिस्पिरेशन, ये देखो आपके पास एरोबिक रिस्पिरेशन है, ऑक्सीजन यहाँ पे उसके साथ मिला हुआ है, जब भी एरोबिक रिस्पिरेशन होगी तो आपके पास क्या आएगा एटीपी भी आएगी। लेकिन एटीपी के साथ साथ, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट है, रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट वो होता है जो आपको चाहिए, और उसी के साथ साथ एज ए बाई प्रोडक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ क्या होगी प्रोड्यूस होगी। तो हमें ये चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, ये इसलिए रिस्पिरेशन अमल के ज़रिए हमारे बॉडी से क्या हो जाता है बाहर एक्सपेल हो जाते हैं, निकल जाता है। तो वो कह रहे हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाता है साथ साथ। ऑक्सीजन एंटर इनटू एनिमल बॉडी फ्रॉम एयर और वाटर सराउंडिंग है। ऑक्सीजन नॉर्मल, ये ऑक्सीजन आपके पास बॉडी के अंदर कहाँ से आता है, इंटर एनिमल बॉडी कहाँ से आ सकता है, हवा से भी आ सकता है, सांस के ज़रिए आप बॉडी के अंदर लेके आते हो, या फिर कहाँ से आ सकता है वाटर सराउंडिंग इट। ये वाटर का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं, ये हमारे लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर नॉर्मली जनरल एग्जांपल, ये उन एनिमल, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है एनिमल, एनिमल में सिर्फ हम नहीं आ रहे, एनिमल में वो एनिमल भी आ रहे जो पानी के नीचे रहते, पानी के अंदर रहते। जिस तरह आपके पास क्या हो गए शार्क हो गए, मुख्तलिफ मछलियाँ हो गई, मुख्तलिफ किस्म के वहाँ पर क्या होते ऑर्गेनिज्म भी होते, तो वो उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से हासिल करते हैं, वो वाटर से हासिल करते हैं, इसलिए वाटर इस्तेमाल हुआ है। तो या तो एनिमल बॉडी क्या करती है, ये ऑक्सीजन हासिल करती है, कहाँ से हासिल करती है, या तो एयर से जिस तरह हम हासिल करते हैं सांस के ज़रिए, या फिर कहाँ से वाटर से, जो किसके ज़रिए हासिल वो कौन करता है, वो वहाँ पर मछलियाँ करती है, फिश करती है। इस तरह इन द लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल द ऑक्सीजन इज़ एब्जॉर्ब ओवर द एंटायर एक्सपोज सर्फेस ऑफ द बॉडी। ये थर्ड किस्म है, एक आपके पास एयर से हो गया, दूसरा कहाँ से वाटर से। जबकि लेस कॉम्प्लेक्स, अगर एक ऐसा एनिमल हो जिसकी बॉडी जो है दो या दो से ज़्यादा सेल से बनी हुई है, मतलब कॉम्प्लेक्स ना हो, पेचीदा ना हो, ठीक है, तो ऑक्सीजन पर उसके लिए एक खास सिस्टम की ज़रूरत नहीं होगी ऑक्सीजन को कैप्चर करने के लिए। देखो हमें क्या ज़रूरत है, हमें नाक की ज़रूरत है उसके लिए, हमें लंग्स की ज़रूरत है, फेफड़ों की ज़रूरत है, फेफड़े हमारे नहीं होते तो हम सांस नहीं ले सकते इस तरह। तो अगर ऑर्गेनिज्म वो एनिमल जो वो क्या हो लेस कॉम्प्लेक्स हो, पेचीदा ज़्यादा ना हो, द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब ओवर द एंटायर एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ द बॉडी, उसकी जो पूरी बॉडी होती है, उसकी जो पूरी बॉडी होती है, तो ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं उसके पूरे बॉडी में से क्या हो सकता है इधर से इंटर जा सकता है उसके बॉडी के अंदर। किसकी बात हो रही है लेस कॉम्प्लेक्स एनिमल की, हमारे बॉडी के अंदर नहीं जा सकता क्योंकि हम क्या है, हम कॉम्प्लेक्स है। जबकि लेस कॉम्प्लेक्स जो एनिमल होते वो इंटायर का मतलब क्या होता है तमाम, एक्सपोज का मतलब क्या होता है जो बाहर क्या होता है जाहिर होता है, जाहिर सरफेस जो उसके बॉडी की होती है, जिस तरह ये क्या है एक्सपोज सरफेस है, इसके अंदर वाले को एक्सपोज नहीं कर सकते, ये बंद है, छुपा हुआ है, ये क्या है ओपन है। एक्सपोज सरफेस के जरिए वो क्या हो सकती है उसके बॉडी के अंदर जा सकती है। इन हायर एनिमल, अगर हम बात किसकी करें हायर एनिमल, हाउएवर देयर स्पेशल रिस्पायरेटरी ऑर्गन, अगर हम क्या करें हायर एनिमल जिस तरह इंसान है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे इस रिस्पायरेटरी ऑर्गन खास रिस्पायरेटरी स्पेशल का मतलब क्या होता है खास रिस्पायरेटरी ऑर्गन मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल किस तरह, जिस तरह गिल्स किस में मौजूद होते हैं, फिश में, मछलियों में गिल्स मौजूद होते हैं, और इंसानों में या बाकी एनिमल में क्या मौजूद होते हैं लंग्स मौजूद होते हैं। लंग्स के ज़रिए हम क्या कर सकते इसी ऑक्सीजन को हम कैप्चर करते हैं वहाँ पे ले लेते हैं। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूजुअली एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेम ऑर्गन, ये इसी में डिटेल से हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि जो एक्सेस का मतलब क्या होता है ज़्यादा, जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी में या आपके सेल में जो बन जाता है वो क्या हो जाता है इज़ यूजुअली एलिमिनेटेड, एलिमिनेट का मतलब क्या होता है निकालना, ठीक है, जान छुड़ाना, वो ख़त्म करना, बेसिक लफ्जी मीनिंग क्या होता है एलिमिनेट का मतलब क्या होता है जड़ से उखाड़ना, ख़त्म करना। तो
तो वो कह रहे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के अंदर या सेल के अंदर बन जाती है उसको हम कहाँ क्या करते एलिमिनेट करते निकाल लेते फ्रॉम द सेम आर्गन उसी आर्गन से। अब अगर फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके मसल सेल में बन रही हो या लीवर में बन रही हो कहीं पे भी बन रहे हो जिस आर्गन में भी बन रही हो वहाँ से उस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना भी क्या होता है ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टी ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस हसूसियात क्या है, एक रिस्पायरेटरी सरफेस जो है उसकी क्या क्या हसूसियात हो सकती है। तो वो कह रहे द एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरमेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द रिस्पायरेटरी सरफेस। द एरिया किसकी बात हो रही है, एरिया वो जगह वो स्पेस जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज से मतलब क्या है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है लंग्स है, फॉर एग्जांपल आपके ये क्या है लंग्स है, ये रिस्पायरेटरी सरफेस हो गया। ठीक है, वो कह रहे हैं कि वो एरिया वेयर गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरमेंट हवा से बाहर क्या आता है ऑक्सीजन आता है, क्या आता है ऑक्सीजन इंटर हो रहा है। ऑक्सीजन किस में इंटर हो रहा है, लंग्स में इंटर हो रहा है। कौन सी चीज़ इंटर हो रही है, ऑक्सीजन। ठीक है, O2 ऑक्सीजन इंटर हो रहा है हमारे पास हो। तो वो कह रहे हैं कि ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये किस में होता है हमारे पास हो? ये बेसिकली जो होता है हमारे पास एनवायरमेंट के साथ होता है, ये बाहर एनवायरमेंट है, देखो बाहर एनवायरमेंट है, ये क्या है हमारे पास ये गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ये क्या है ये एरिया है। ठीक है, वो कह रहे हैं एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी। अब इस लंग्स को आप क्या कह सकते हो, रिस्पायरेटरी सरफेस कह सकते हो। गैसेस एक्सचेंज ऑक्सीजन इंटर हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसी रास्ते से कहाँ पे जा रहा है, बाहर जा रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से क्या हो रहा है हमारे पास हो, वो यहाँ से बाहर जा रहा है। वो कह रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ये जो गैसेस एक्सचेंज होता है ये तमाम ऑर्गेनिज्म में कौन से प्रोसेस के जरिए होता है, फिजिकल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पहले हम समझते हैं कि डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन जो होता है ये बेसिकली आपके पास जो होता है ये क्या होता है, ये मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं फ्रॉम किससे, हाई कंसंट्रेशन से। फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, ये मॉलिक्यूल ज़्यादा यहाँ पे परफ्यूम आपने लगा ली यहाँ पे, अब ये परफ्यूम के मॉलिक्यूल है। जबकि ये वाला एरिया जो है जो रूम के दूसरे साइड पे एरिया है यहाँ पे कोई भी परफ्यूम का मॉलिक्यूल आपको नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, जब क्या होता है जब यही मॉलिक्यूल ये अब इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या है बहुत ज़्यादा तादाद में ये, तो डिफ्यूजन प्रोसेस वो अमल होता है जिसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा कंसंट्रेशन से क्या करते हैं मूव करते हैं, किसकी तरफ मूव करते फ्रॉम टू लेस कंसंट्रेशन, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लेस कंसंट्रेशन। ये एरिया जो है ये हमारे पास क्या है लेस कंसंट्रेशन है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा आप परफ्यूम लगा ले तो कुछ टाइम के बाद जो दूर कड़ा बंदा होता है उसको उस परफ्यूम की खुशबू आ जाती है। ठीक है, वो सूंघ लेता है उसको, वो कहते हैं तुमने परफ्यूम लगाई हुई है, ये इसलिए कि आपके पास उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाए। तो वो प्रोसेस जिसमें मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ज़्यादा वाली जगह से किसकी तरफ चली जाती है कम वाली जगह की तरफ जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, इसमें एक दूसरी टर्मिनोलॉजी भी है वो नॉर्मली कब जो स्टूडेंट होते हैं उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर इसके दरमियान में अगर आप एक बारीक टाइप का कपड़ा लगा लें जाली वाला कपड़ा लगा लें और ये मॉलिक्यूल उस जाली में से पास हो रहे हो, है वही प्रोसेस लेकिन सिर्फ जाली में से पास हो रहे हो, मतलब क्या ये मेम्ब्रेन में से पास हो रहे हो, तो फिर हमारे पास ये क्या हो जाते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी हमारे पास अलग हो जाती है, फिर उसको हम डिफ्यूजन नहीं कहते। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं फॉर इफेक्टिव डिफ्यूजन दैट इज, यहाँ पे कह रहे हैं कि गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिज्म बाय द फिजिकल प्रोसेस डिफ्यूजन के जरिए होता है। सारा प्रोसेस जो होता है मतलब क्या है कि जो हमारे बॉडी के अंदर बाहर से ऑक्सीजन आ रहा है, बाहर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है ज़्यादा है, अगर बाहर ज़्यादा नहीं होती तो फिर क्या होता ऑक्सीजन अंदर नहीं आता, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बाहर जा रहा है, तो मतलब क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है ज़्यादा है तो इसलिए ये बाहर जा रहा है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये डिफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन किसकी है ये कार्बन डाइऑक्साइड की है तो इसलिए बाहर जा रहा है, लो कंसंट्रेशन की तरफ यहाँ पे ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन है तो हमारे पास किस तरफ आ रहा है वो लो कंसंट्रेशन की तरफ आ रहा है।
For effective diffusion, the respiratory surface must have the following properties. अगर हम बात करें effective diffusion, अगर diffusion क्या होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, the respiratory surface का क्या होना चाहिए, तो respiratory surface जिस तरह हमारी lungs है, respiratory surface, तो वो कह रहे हैं कि उनकी ये property होनी चाहिए, अगर सही वाला diffusion होना है, first, it must be permeable, इसकी permeability होनी चाहिए, permeability से मुराद क्या है, passing, जिस तरह hole, इसमें hole हो, सुराह हो, तो ये इसमें से पास होने चाहिए अगर ऑक्सीजन आ रहा है इसके अंदर आ रहा है तो इसमें से पास होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है तो बाहर उसमें से पास हो सकता हो ये नहीं कि पास नहीं हो रहा हो तो अगर पास नहीं हो रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर क्या हो जाएगा स्टोर हो जाएगा बंद हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा बाहर रह जाएगा पास नहीं हो सकता सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू इट देखो क्लियर कट उसने कह दिया कि ताकि गैसेस उसमें से क्या हो सकते हो पास हो सकते हो इट मस्ट बी थिन दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास जो दूसरी प्रॉपर्टीज की आ रही है वो क्या होनी चाहिए थिन पहले कौन सी हो गई परमेबिलिटी होनी चाहिए ठीक है थिन होनी चाहिए बारीक होनी चाहिए मोटी नहीं होनी चाहिए फॉर एफिशिएंट डिफ्यूजन बिकॉज डिफ्यूजन इज ओनली एफिशिएंट ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर आर लेस क्लियर कर दिया कि डिफ्यूजन क्या है तब हो सकती है जब वो सरफेस जो वो कितना 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से कम हो मतलब क्या है कि इसका जो बाहर वाला सरफेस है फॉर एग्जांपल ये अगर 1 मिलीमीटर से मोटा हो तो फिर ऑक्सीजन इसमें इंटर नहीं कर सकता 1 मिलीमीटर होना चाहिए या 1 मिलीमीटर से कम होना चाहिए हमारे पास ठीक है तो तीन की बात होगी थर्ड जो है इट शुड पोजेस अ लार्ज सरफेस एरिया ठीक है So that sufficient amount of gases are able to be exchanged according to the organism need. Surface area जो है आपके पास छोटा नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए इस तरह surface area बड़ा होना चाहिए छोटा नहीं होना चाहिए क्यों कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि the sufficient amount of gases are able के अगर in case अभी तो आप बैठे हुए हो अगर आप भागना स्टार्ट करें और तब आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होगी ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो अगर आपका सरफेस एरिया लंग्स का जगह जो स्पेस है इतनी छोटी सी है तो फिर आप ज़्यादा दूर भाग नहीं सकते आप क्या थक जाएंगे सांस जल्दी जल्दी लेना क्योंकि ग्रोथ के लिए या मूवमेंट के लिए आपको ATP की ज़रूरत होगी और ATP किससे हासिल होती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के मिलने से आपके पास अगर ऑक्सीजन के लिए स्पेस छोटा है ऑक्सीजन बहुत जज़ब हो रहा है बहुत छोटी सी जगह पे जज़ब हो रहा है तो फिर वो काम आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते तो इसलिए लार्ज स्पेस आपको चाहिए इसलिए कहते हैं एबल टू एक्सचेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिज्म नीड जो आपकी नीड है आपका भागना है आपका एक्सरसाइज है उसके हिसाब से सफिशेंट अमाउंट ताकि गैसेस क्या हो सकते हो ज़्यादा जज़ब हो सकती हो ठीक है नेक्स्ट जो हमारे पास है वो कौन सा पॉइंट है इट पोजेस शुड पोजेस अ गुड बॉडी ब्लड सप्लाई भी होनी चाहिए गुड ब्लड सप्लाई से मुराद क्या है देखो अगर एक ऑक्सीजन हमारे नोज के जरिए इंटर हो रहा है और आपके लंग्स तक पहुंच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो खुद बहुत आगे हर एक सेल के अंदर पहुंचेगा ठीक है वो आपके लंग्स से किसके जरिए पहुंचेगा जो आर्टरी होती है आर्टरी के अंदर क्या होता है ब्लड होता है हर एक सेल ये समझ लो कि आपके पास एक सेल है तो इसी ब्लड के साथ वो ऑक्सीजन क्या करेगा आगे पहुंचेगा इसलिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ है शुड पोजेस अ गुड बॉडी जो ब्लड सप्लाई है ब्लड सप्लाई भी सही होनी चाहिए ये नहीं कि ब्लड सही सप्लाई नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे जमा हो रहा है लेकिन हर एक सेल तक सही तरीके से नहीं पहुंच रहा है देयर शुड बी अ गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म टू मेंटेन अ स्टीप डिफ्यूजन ग्रेडिएंट अक्रॉस द रेस्पिरेटरी सिस्टम वो कह रहे हैं वेंटिलेशन सिस्टम सही होने चाहिए किस तरह To maintain a steep diffusion gradient across the respiratory surface से मुराद क्या है lungs की बात हो रही है उसका ventilation system तो normally आप लोगों ने रोशनदान देखे होंगे जिसके ज़रिए जो गर्म हवा होती है वो बाहर जाती है और दरवाजे के ज़रिए ठंडी हवा अंदर आती है ventilation system, ठीक है तो वो कह रहे हैं कि उस respiratory system में proper ventilation system भी होना चाहिए मतलब क्या है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर तरीके से बाहर जा रहा हो ये नहीं कि ऑक्सीजन अंदर आ रहा हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रहा हो जिस तरह वेंटिलेशन सिस्टम में गर्म हवा बाहर आना ठंडी हवा अंदर आना तो वो कह रहे हैं कि उस रेस्पिरेटरी सरफेस का
प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए, एक खास तरीक़ाकार से कि ऑक्सीजन जब अंदर आ रहा हो तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ क्या होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। जिस तरह अभी आप सांस ले रहे हो, सांस ले रहे हो, क्या कर रहे हो, सांस को अंदर खींचते हो, ऑक्सीजन लेके जा रहे हो, लेकिन दूसरी बार जब जैसी आपकी सांस पूरी हो रही है, दूसरी बार आप क्या कर लेते हो, सांस को बाहर खींच रहे हो, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करो, एक्सपेल करो। तो इसका मतलब ये कि आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम अभी जो आप देख रहे हो, अभी आप पढ़ भी रहे हो, तो उस टाइम उसका वेंटिलेशन मैकेनिज्म क्या है, बेहतर है, गुड वेंटिलेशन मैकेनिज्म है। अगर आपको सांस रुकने में मसला आ रहा हो तो आपका वेंटिलेशन सिस्टम क्या है, वो फिर सही तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, आई थिंक टॉपिक की समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हो, और कोई भी सजेशन देना चाहते हो टॉपिक को ज़्यादा इम्प्रूव करने के हवाले से, तो बेशक आप सजेशन दे सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।